मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीके जेपीएससी एंड बीपीएससी चैनल। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज बीपीएससी का लेक्चर नहीं करेंगे। बीपीएससी का लेक्चर भी मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया हूं और 2-3 लेक्चर उसका मैंने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल में। प्लीज डू वॉच दो, जो जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरेस्टेड है, और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया एक्चुअली। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पीटी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। प्लीज डू वॉच दोज वीडियो। पर आज जो हम लोग करेंगे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वीडियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम लोग लास्ट लेक्चर में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का था, उसमें हम लोग कर रहे थे लिटरेचर ऑफ झारखंड एंड लिटरेचर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के साहित्य और झारखंड का साहित्यकार। झारखंड का साहित्य और झारखंड के साहित्यकार में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने देखा होगा। प्लीज डू वॉच दोज वीडियो, प्लीज अपना फीडबैक दें, बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक देना। जितना आप फीडबैक देंगे उतना अच्छा मैं वीडियो बना पाऊंगा और उतना ज्यादा फायदा होगा सब लोगों को। जैसे मैंने बताया था, झारखंड को लैंग्वेज को 3 भाग में डिवाइड किया गया है मोस्टली। एक मुंडारी लैंग्वेज है, एक द्राविडियन लैंग्वेज है और इंडो आर्यन लैंग्वेज है। जितने भी लैंग्वेज है झारखंड के, उसको मोस्टली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो मुंडारी लैंग्वेज में आता है मुंडारी लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज कम्स अंडर मुंडारी लैंग्वेज। द्राविडियन लैंग्वेज में अलग द्राविडियन लैंग्वेज है झारखंड के। इंडो आर्यन लैंग्वेज में जैसे हिंदी आ गया इज ए इंडो आर्यन लैंग्वेज, नागपुरी आ गया इज ए इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो मैंने ये बताया था आपको कि मुंडारी लैंग्वेज फैमिली में कितने लैंग्वेज आते हैं। जैसे एक है संथाली है, मुंडारी है, हो है, खरिया है, भूमिज है, महाली है, करियाली है एंड कोरुकू है। दिस संथाली लैंग्वेज और उसके राइटर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो प्लीज डू वॉच दोज वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट मुंडारी लैंग्वेज फैमिली, प्लीज डू सब्सक्राइब और घंटे पे पक्का क्लिक करें। तो जो भी मेरा वीडियो आएगा आपको वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। इससे एक्चुअली फायदा होगा। डोंट वेट कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जब नोटिफिकेशन आएगा तब विल स्टडी, ऐसा नहीं होगा। अगर आएगा उसके बाद टाइम बहुत कम होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नोटिफिकेशन आने से पहले, ठीक है गवर्नमेंट बहुत स्लो है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आएगा। उस समय तक अगर आप पेपर 2, जेपीएससी पेपर 2 जिसमें 200 मार्क्स का है, अगर आप खत्म कर लेंगे मेरे वीडियो के थ्रू, हेल्प के थ्रू, तो सोचिए आपको कितना फायदा होगा। डोंट वेट। इसलिए जब भी मेरा वीडियो आता है प्लीज डू वॉच, और उसके बाद आप उसको बुक में जो भी मैंने पढ़ाया बुक लीजिए और उसको एक बार पढ़िए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संथाली लैंग्वेज जैसे मैं पढ़ाया था, संथाली लैंग्वेज और संथाली राइटर। प्लीज डू वॉच दोज वीडियो और उसको बाद उसको एक अपने जिस जो भी आपके पास बुक है उससे एक बार पढ़िए, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे मुंडारी और हो और खड़िया की, ठीक है। मुंडारी लैंग्वेज की आज बात करते हैं। जैसे मुंडारी लैंग्वेज इन हिंदी इज नोन एज मुंडारी भाषा, ऑब्वियसली लैंग्वेज को भाषा बोला जाता है हिंदी में। लेट्स टॉक। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन से ट्राइब इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसे मुंडारी लैंग्वेज, तो कौन बोलेंगे, मुंडा जनजाति के लोग बोलेंगे। लैंग्वेज ऑफ मुंडा जनजाति, ये मुंडा जनजाति की भाषा है एक्चुअली। ओके, और ये कहां बोला जाता है, एक तो ठीक है ये झारखंड में बोला जाता है और ये झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू में बोला जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे रांची हो गया, ठीक है, रांची हो गया, सराई केला खरसावा हो गया, गुमला हो गया, सिमदेगा हो गया, सिंहभूम एंड हजारीबाग, इन सब जिलों में मुंडारी लैंग्वेज बोला जाता है। रांची, सरायकेला खरसावा, गुमला, सिमदेगा, सिंहभूम और हजारीबाग में। सो क्वेश्चन अराइजेस कि ये क्या सिर्फ झारखंड में बोला जाता है, झारखंड के बाहर ये नहीं बोला जाता है। तो आंसर विल बी नो, ये झारखंड के बाहर भी बोला जाता है। ये झारखंड के बाहर में कौन कौन से स्टेट में बोला जाता है, बंगाल में बोला जाता है, उड़ीसा में बोला जाता है एंड छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में भी ये लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, अब देखिए डायलेक्ट क्या होता है, बोलियां क्या होती है। जैसे मुंडा लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप रीजन वाइज वो चेंज हो जाता है उसका डायलेक्ट, जैसे बोला जाता है, जैसे हिंदी, हिंदी लैंग्वेज है लेकिन दिल्ली में जो हिंदी बोली जाती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है जो कि बिहार में बोली जाती है या फिर झारखंड में बोली जाती है। वो बोलने का तरीका इज नोन एज डायलेक्ट,
तो मुंडा लैंग्वेज में, मुंडारी लैंग्वेज में भी रीजन वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब वो जो बोलने का तरीका है लोगों का वो चेंज हो जाता है। सो कैसे, जैसे मुंडारी लैंग्वेज को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब डायलेक्ट इसका एक है हसदा, ठीक है, दूसरा है नागौरी और तीसरा है तमरिया। ओके, तो देखिए हसदा जो है खूंटी रीजन में बोला जाता है, आसपास खूंटी रीजन के आसपास बोला जाता है, और नागौरी जो लैंग्वेज है वो मिक्सचर है नागपुरी और मुंडारी, नागपुरी लैंग्वेज जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज में आता है, ठीक है, और मुंडारी को मिला दिया तो आप तो जो डायलेक्ट बना उसको बोला नागौरी डायलॉग, ठीक है, डायलेक्ट। जैसे अगर आप बिहार में जाएंगे तो भोजपुरी और हिंदी को थोड़ा जो मिला देते हैं तो वो हिंदी का अलग डायलेक्ट बोलियां बन जाती है, राइट। वैसे ही नागौरी में नागपुरी और मुंडारी को मिला के बोला जाता है तो ऐसा तो वो डिफरेंट डायलेक्ट लगता है। तमरिया, तमरिया में तमार में बोला जाता है, ऑब्वियसली तमरिया के नाम से समझ में आ रहा होगा, तमार में बोला जाता है, सिली में बोला जाता है, बुंडू में बोला जाता है, बरंडा में बोला जाता है, राहे में बोला जाता है, ठीक है, दिस इज राहे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मुंडारी लिटरेचर की, मुंडारी साहित्य की। सो मुंडारी साहित्य में कौन कौन सा साहित्य फेमस है, लेकिन बहुत सारे साहित्य है, बहुत सारे लिटरेचर है, लेकिन हम लोग को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग को ग्रामर जानने की जरूरत है कि किसने ग्रामर लिखा, किसने फर्स्ट बुक लिखा, इन सब ये सब जानना इंपॉर्टेंट होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये है क्या, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, जैसे संथाली ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज था, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ओके ओके, द थिंग इज, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में यहां पर लिखा हूं। देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया जिसमें सब कुछ होता है, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब जिसमें सब सारा इंफॉर्मेशन हो, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एनी बुक होगा उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होगी, इंसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफी का है तो सारा ज्योग्राफी का उसमें इंफॉर्मेशन होगा, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका मतलब इसमें मुंडा लैंग्वेज की सारी चीज लिखी होगी, ठीक है। मुंडारी फोक टेल इज रिटन बाय हॉफमैन एंड पीके मित्रा, ठीक है, मुंडारी फोक टेल का मतलब जो भी मुंडारी के पुराने पुराने कहानियां हैं, फोक टेल है इसमें लिखे हुए, मुंडारी का एंड मुंडारी लोक कथाएं, कहानियां लोक कथाएं जो भी है, ये जो लिखा हुआ है इसने लिखा है हॉफमैन और पीके मित्रा के द्वारा, ठीक है, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हॉफमैन और पीके मित्रा। ओके, अब मुंडारी ग्रामर किसने लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडारी ग्रामर। अब हर लैंग्वेज का अपना अपना ग्रामर होता है, इंग्लिश का ग्रामर है, हिंदी का ग्रामर है, एवरी लैंग्वेज हैज ए ग्रामर। सो मुंडारी ग्रामर जो लिखा गया वो नॉटरोट ने लिखा है, नॉटरोट में, ठीक है, नॉटरोट ने मुंडारी व्याकरण की रचना की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक बुक लिखा गया रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर, दूसरा मुंडारी ग्रामर लिखा गया, ये पहला मुंडारी ग्रामर था, रूडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर ये बुक का ही नाम है, इसमें भी मुंडारी ग्रामर की ही बात की गई, लिखा गया था 1891 में रेवरेंड डी सेम्ट, ये प्रीस्ट होंगे, ये कैथोलिक प्रीस्ट होंगे इसलिए इसका इनका नाम है रेवरेंड, तो इन्होंने ये लिखा था रूडिमेंट ऑफ मुंडारी ग्रामर। ओके ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ये इंपॉर्टेंट बंदे हैं, मैं आपको बता चुका हूं जब मैं झारखंड के विशिष्ट पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा था, रामदयाल मुंडा ये वाइस चांसलर भी रांची यूनिवर्सिटी के रहे हैं, तो इन्होंने मुंडारी जादू सॉन्ग एक बुक लिखा था, मुंडारी जादू सॉन्ग, ठीक है, रामदयाल मुंडा ने नॉर्मन जीदे के साथ लिखा था, मिलकर लिखा था, जिसमें बहुत सारे जो मुंडा के जो सॉन्ग्स हैं फोक सॉन्ग है लोक संगीत है इस बुक में उन्होंने उसको बताया दिखाया है, उसमें उसको लिखा है, सारे सॉन्ग को कंपाइल किया है एक जगह। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं हो लैंग्वेज, हो भाषा। तो देखिए हो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले को होगा कि कौन सी ट्राइब बोलती है, कौन सी जनजाति बोलती है, एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, हो कौन बोलेगी, हो ट्राइब बोलेगी, ऑब्वियसली हु विच ट्राइब will be speaking this language, who tribe will speak this language, who tribe is जनजाति भाषा को बोलते हैं, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, ये भी याद रखिए, ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, सो संथाली मुंडारी एंड हो तीनों ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ओके, मुंडा, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ हो ट्राइब के लोग ही नहीं बोलते, और भी दूसरे ट्राइब के लोग बोलते हैं, सर मुंडा लोग भी बोलते हैं, कोल्हा भी बोलते हैं, को ट्राइब के लोग भी ये लैंग्वेज बोलते हैं, मुंडा मुंडारी तो बोलते हैं मुंडा, लेकिन ये हो लैंग्वेज भी बोलते हैं, हो भाषा भी बोलते हैं, कोल्हा ट्राइब के लोग बोलते हैं, कोल जनजाति के लोग इस भाषा को बोलते हैं।
ओके, होल लिटरेचर की बात करते हैं हम लोग। सो देखिए, पहला लिटरेचर की हम बात करेंगे, फोकलोर ऑफ द कोलहन। ये जो बुक था इज द फर्स्ट बुक फॉर द फोक सॉन्ग ऑफ हो ट्राइब रिटन बाय सीएच बोम्पास एंड एनके बॉस। मैं हिंदी में बताता हूं। जो देखिए, कोलहन के लोक गीत एक बुक का नाम है जिसको लिखा है सीएच बोम्पास और एनके बॉस ने, ठीक है, ये दोनों बंदा सीएच बोम्पास और एनके बॉस ने। तो इस बुक में है क्या, इसमें देखिए नाम ही पता चलेगा, फोकलोर ऑफ कोलहन, लोक जो जो हो जनजाति के लोक गीत है उसको इसमें लिखा गया है। तो ये पहली बुक थी होस लिटरेचर में, होस हो ट्राइब के लिए और होस लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी। ओके ओके, एक और बुक है हो दुरंधा, हो दुरंधा हो, ठीक है, वाज ए कलेक्शन ऑफ हो सॉन्ग, जो एक हो सॉन्ग का कलेक्शन है जो कंपाइल किया डब्ल्यू जी आर्चर ने। डब्ल्यू जी आर्चर ने अदर बुक का लिखा है जो भी कि जिसमें भी सॉन्ग है, मतलब गीत है, संगीत है, ठीक है, उसने उसको बुलाता हो दुरंधा, ठीक है, हो दुरंधा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे ट्राइब की, खरिया ट्राइब की। सो लेट्स टॉक अबाउट खरिया ट्राइब। लेकिन ये जो दूसरे ट्राइब थे, दूसरे ट्राइब कौन से थे, लेट मी सी, सो यू, ऑस्ट्रो एशियाटिक थे, संथाली, मुंडा एंड हो। लेकिन ये ट्राइब प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड लैंग्वेज बोलते हैं। दिस लैंग्वेज इज एक्चुअली प्रोटो एस्ट्रोलॉइड लैंग्वेज। उन लोगों का था, उन लोगों का प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड लैंग्वेज नहीं था ये, बट दिस इज खड़िया लैंग्वेज इज एक्चुअली प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड लैंग्वेज। ओके, और कौन बोलेगा, तो ऑब्वियसली खड़िया ट्राइब बोलते हैं, मुख्य रूप से खड़िया जनजाति द्वारा बोली जाती है। ओके ओके, खड़िया ट्राइब रहते कहाँ है, तो छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं, मोर और लेस छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये खड़िया समूह छोटा नागपुर की घाटी में रहता है, ठीक है, तो मैं पहले अपने इसमें भी बताया हूँ, अपने ट्राइब के वीडियो में, ट्राइब के भी लेक्चर में बताया हूँ। और ये स्पोकन इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये बोला जाता है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। ऑब्वियसली ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है, तो ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। ओके, खड़िया साहित्य की बात करते हैं। खड़िया साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट है जो है जीसी बनर्जी जो है कंपोज की थे इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज इन 1894। 1894 में जीसी बनर्जी ने खड़िया भाषा की परिचय की रचना की थी। ओके, द खड़िया एक बुक का नाम है, द खड़िया, ये इसको पब्लिश किया एससी राय ने 1937 में, जिसमें क्या है, फोक सॉन्ग, अगेन याद रखिए, फोक सॉन्ग एंड फोक टेल, मतलब कहानियां और सॉन्ग, ठीक है, गाने और सॉन्ग, वो भी फोक सॉन्ग, ठीक है। ओके, अनदर बुक है डब्ल्यू जी आर्चर, एक पब्लिश बुक किए, एक खड़िया सॉन्ग बुक 1942, फिर से एक खड़िया का सॉन्ग आया बुक, जिसको डब्ल्यू जी आर्चर ने पब्लिश किया, और इसमें भी फोक सॉन्ग है, या द खड़िया में भी फोक सॉन्ग है, लेकिन उसमें फोक टेल भी है, मतलब कहानियां भी है, लेकिन डब्ल्यू जी आर्चर के बुक में, एक खड़िया सॉन्ग बुक में सिर्फ सिर्फ सॉन्ग है, सिर्फ संगीत है, गीत है। ओके, ये वही 1942 में डब्ल्यू जी आर्चर ने खड़िया अलोन नामक पुस्तक प्रकाशन किया था, जिसमें कि एक्चुअली सॉन्ग है, खड़िया के जितने भी फोक सॉन्ग है उसको कंपाइल किया गया है। ओके, खड़िया भाषा में तारदी एवं जोहार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तारदी एवं जोहार, ओके, नामक पत्रिका, ये खड़िया भाषा में दोनों पत्रिका, तारदी एवं जोहार। वर्तमान में खड़िया लेखक कुछ कुछ हैं, जैसे आरपी साहू है खड़िया लेखक, वंदना टेटे है, पुष्पा टेटे है, मेरी एस सोरेन है, ज्योल सोरेन है, आदि के नाम उल्लेखनीय है, ठीक है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। ये वी टॉक्ड अबाउट मुंडा, खड़िया, होल लैंग्वेज। अब नेक्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट सम अदर लैंग्वेज और लिटरेचर। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज डू चेक बीपीएससी का वीडियो, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंस एटलीस्ट लिख रहे हैं और जो पीटी लिखने वाले हैं, अभी पीटी का नोटिफिकेशन आया है, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे विल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं उस पर एक बुक भी निकाल रहा हूँ बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे, सो उसको भी आप देखिए, फिर विल टॉक। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, एंजॉय।